नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल हिंदी रिचुअल्स में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती के जीवनी के बारे में। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म 12 फरवरी 1824 ईस्वी में हुआ था। 19वीं शताब्दी के महान समाज सुधारकों में स्वामी दयानंद सरस्वती का नाम अत्यंत श्रद्धा के साथ लिया जाता है। जिस समय भारत में चारों ओर पाखंड और मूर्ति पूजा का बोलबाला था, उस समय स्वामी जी ने इसके विरुद्ध आवाज उठाई। स्वामी जी ने बाल विवाह का विरोध किया और विधवाओं के विवाह के संबंध में भी आवाज उठाई। उन्होंने भारत में फैली कुरीतियों को दूर करने के लिए 1876 में हरिद्वार के कुंभ मेले के अवसर पर पाखंड खंडनी पताका फहराकर पोंगा पंथियों को चुनौती दी। उन्होंने फिर से वेद की महिमा की स्थापना की। उन्होंने एक ऐसे समाज की स्थापना की जिसके विचार सुधारवादी और प्रगतिशील थे, जिसे उन्होंने आर्य समाज के नाम से पुकारा। उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश, ऋग्वेद भूमिका आदि अनेक ग्रंथ लिखे। उन्होंने वेदों का भाष्य भी किया। स्वामी दयानंद जी का जन्म गुजरात के मोरवी नामक स्थान पर हुआ था। उनका प्रारंभिक नाम मूल शंकर था। उन्हें प्रारंभ से ही सांसारिक जीवन से कोई लगाव नहीं था, इसलिए जब पिता उनके विवाह की तैयारियां कर रहे थे तो वे घर से भाग गए। उन्होंने मथुरा में स्वामी विरजानंद जी के पास रहकर वेद आदि आर्य ग्रंथों का अध्ययन किया। गुरु दक्षिणा के रूप में स्वामी विरजानंद जी ने उनसे यह प्रण लिया कि वे आजीवन वेद आदि सत्य विद्याओं का प्रचार करते रहेंगे। स्वामी दयानंद जी ने अंत तक इस प्रण को निभाया। स्वामी दयानंद जी का कहना था कि विदेशी शासन किसी भी रूप में स्वीकार करने योग्य नहीं होता। स्वामी जी महान राष्ट्रभक्त और समाज सुधारक थे। समाज सुधार के संबंध में गांधी जी ने भी उनके अनेक कार्यक्रमों को स्वीकार किया। कहा जाता है कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में भी स्वामी जी ने भाग लिया था। स्वामी जी ने राष्ट्र के लिए जो कार्य किया, वह राष्ट्र के कर्णधारों के लिए सदैव मार्गदर्शन का काम करता रहेगा। स्वामी जी ने विष देने वाले व्यक्ति को भी क्षमा कर दिया। यह बात उनकी दया भावना का जीता जागता प्रमाण है। इसी प्रकार की विशेष जानकारियों के लिए देखते रहे हमारा चैनल हिंदू रिचुअल्स। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जो कि बिल्कुल निःशुल्क है।